हेलो, आज से लेकर नेक्स्ट एक हफ्ते तक मैं Zomato राइडर बनने वाला हूँ और देखने वाले हैं कि कैसे चीजें फंक्शन करती है और मैं कितना कमा पा रहा हूँ। ऑनलाइन जाने से पहले आपको गिग बुक करना होता है कि इस टाइम स्लॉट में मैं अपनी ड्यूटी करूंगा। आप मल्टीपल गिग्स भी बुक कर सकते हैं। और भटकते भटकते हमें हमारा पहला ऑर्डर मिला। अभी मैं यहाँ पे आ रहा था तो मेरे को किसी ने देखा, मैं Zomato ड्राइवर हूँ, तो बस सुना के गया। मेरे आगे दूसरा बंदा भी बेकार गाड़ी चला रहा था, उसको कुछ नहीं किया। हम ऑर्डर डिलीवर करने चले गए लेकिन वो दिखाएंगे नहीं, बिकॉज हम किसी के घर पे डायरेक्ट कैमरा लेके नहीं जा सकते यार, एंड वी रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी। पहला ऑर्डर डिलीवर हो चुका है और रितेश और प्रवीण पता नहीं कहाँ चले गए। तो फर्स्ट ऑर्डर पे हमारी अर्निंग हुई 42 रुपीज, 5 रुपए हमारे गिग कैंसलेशन के कटे, तो 37 रुपीज हमने अब तक कमाए हैं। वो देखो, वो है ना, जो वो तुम्हारा ट्रेंडिंग एरिया है, उधर जाएंगे तो उधर ऑर्डर्स मिल सकते हैं सबसे ज्यादा। नेक्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर पिक करने गए तो वहाँ पे हमारे फ्लीट कोच मिले, यानी टीम लीड, और तब पता चला कि Zomato डिलीवरी गाइस के भी टीम लीड होते हैं। ऑर्डर हाथ में आते ही एक अलग से प्रेशर आता है अंदर से कि इसे ऑन टाइम डिलीवर करना है। कस्टमर ने टिप दिया मेरे को। अभी हमें मैकडॉनल्ड्स का ऑर्डर आया है, मैकडॉनल्ड्स से ऑर्डर पिक करके जस्ट बाजू वाले शहर में हमने डिलीवर किया। ये वाले कस्टमर ने हमें ऑलरेडी 20 रुपए टिप दे दिया है। तो जैसे ही मैंने रिंग बजाने का ट्राई किया, मेरे को करंट लगा। पांचवा ऑर्डर भी हमें मिल गया फटाफट से। ये ऑर्डर डिलीवर करने के बाद मैंने लिटरली रास्ते पे खड़े होकर खाना खाया, बिकॉज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और Zomato हर गिग में सिर्फ 15 मिनट की ब्रेक अलाउ करता है। और तब रियलाइज हुआ कि हमारे लिए जो लोग खाना टाइम पे लाते हैं उन्हें ही खाना टाइम पे नहीं मिलता। हमारा चार्जिंग 15% से कम हो गया था तो Zomato में ऑर्डर लेने नहीं दे रहा था, तो हम घर पे गए, दोनों हमने चार्ज किया और आ गए यहाँ पे हमारे हॉटस्पॉट पे। और अगर आपको दिखना होगा तो वहाँ पे भी एक Zomato राइडर रुका है। हमने उनसे बात की कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, कितना निकलता है एक दिन में। उन्होंने लिटरली अपनी फोन स्क्रीन ही दिखा दी। तब पता चला कि वो दिन में सिर्फ 4 से 5 घंटा काम करते हैं। सातवां ऑर्डर आज का, ये देखो, जब भी पहुँच जाने का तो कर देने का रीच्ड एट पिकअप लोकेशन। ये पार्सल से कर रहे हैं, आज तक सबसे ज्यादा कितना निकला है एक दिन में 31st के दिन 2750। और सबसे कम? सबसे कम के साथ श्रावण में रहेगा तो फिर भी कम से कम 600-700 रुपए तो होता ही है। अच्छा, वो 10-12 घंटे का? 10-12 घंटे। फिर बस हम चले गए नॉर्मली ऑर्डर डिलीवर करने के लिए। वापस आ ही रहा था तो कस्टमर ने कॉल किया कि एक आइटम मिसिंग है, तो उन्हें एकदम बेसिक से बेसिक मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा कि आप कैसे सपोर्ट टीम को रीच कर सकते हैं। हो गया। आज का लास्ट ऑर्डर हमें 6 किलोमीटर दूर डिलीवर करना था और ऐसे भी रास्तों से जाना पड़ा जहां रोड लाइट भी नहीं थी। आज हमारा हुआ है 9 ट्रिप्स, 437 रुपीज कमाए हैं और 20 रुपए अलग से टिप मिली। 450 रुपए हमने आज एक दिन में कमाए। वेलकम टू डे 2। अभी हम जाने वाले हैं ऑनलाइन। लॉगिन करते टाइम मुझे सेल्फी क्लिक करके सबमिट करनी है कि मैं ही हूँ। ट्रेंडिंग एरिया टू ट्रेंडिंग एरिया घूम ही रहे थे कि हमें कोई ऑर्डर मिले। 1.25 घंटे के बाद फाइनली पहला ऑर्डर मिला है दिन का। अच्छी बात यह है कि उसमें हमें रेन का सर्ज मिला है, 18 रुपीज एक्स्ट्रा। पहला ऑर्डर मिलते ही बारिश चालू हो गई तो रास्ते पे ही रेनकोट पहनना पड़ा। रेन सर्च खत्म हो रहा था तो मैं ये रिपोर्ट करूंगा, तो 15% एक्स्ट्रा सर्च विल बी एक्टिवेटेड वंस द वीडियो इज वेरीफाइड। ये ऑर्डर डिलीवर करने ये जा रहा है ऊपर। वर्स्ट पार्ट इज बार बार ट्रेंडिंग एरिया के इधर जाना पड़ रहा था ताकि हमें ऑर्डर मिले और कमा पाए। एक भेलपुरी, एक सेवपुरी, 5.5 किलोमीटर दूर से डिलीवर किया है मैंने, 42 रुपीज मेरे को मिले हैं भाई। 50 रुपए में दोनों खुद खा के आता यार। कल एग्जैक्टली सेम जगह पे मैंने ऑर्डर डिलीवर किया था, जस्ट बाजू वाली बिल्डिंग में, तो मुझे 72 रुपीज मिले और अभी 48.26 रुपीज मिले हैं, क्योंकि वो रात को डिलीवर किया था और ये मैंने शाम को किया है। नहीं बोला आपने, वक्त वक्त की बात है, कल वो साथ ही आज नहीं है। और तब तक हमारा Zomato बैग और टी शर्ट डिलीवर हो गई थी तो वो पहन के हम तुरंत डिलीवरी करने चले गए। ये पर्टिकुलर ऑर्डर डिलीवर करने के लिए 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ा और लोकेशन ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हुई। कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर था, 115 रुपीज ट्रिप अर्निंग और 18 रुपीज एक्स्ट्रा पे मिला मुझे। ब्रेक सफा ऐसा हो गई, ऐसे कैसे? बहुत ज्यादा संभाल के चलानी पड़ी गाड़ी, बिकॉज ब्रेक फेल थी। दिन का लास्ट ऑर्डर डिलीवर्ड और आज हमने टोटल कमाए हैं 512 रुपीज। डे 3 शुरू होते ही ऑर्डर पे ऑर्डर आते गए और हम एक एक करके डिलीवर भी करते गए। 43 रुपीज का ऑर्डर आया है, लेट्स गो टू बर्गर किंग। काफी लोग बोले इट्स बर्गर। हमारा जो बर्गर किंग का पार्सल है वो ये भाई का है और ये भाई ने हमें पहचाना। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच भाई, मिलकर अच्छा लगा आपसे भी, थैंक यू सो मच भाई। ये ऑर्डर 1 घंटा वेट करने के बाद आया। मेरे जगह ऑर्डर कलेक्ट करने और कस्टमर को डिलीवर करने जाएगा ये, तो आप जिसको भी पार्सल डिलीवर करने जा रहे हो वो ज़्यादातर आपके फेस पे देख ही नहीं रहा है,
वो सिर्फ डायरेक्ट पार्सल पे देख रहा है, जैसे ही दरवाज़ा खोल रहा है पार्सल लेके दरवाज़ा बंद। रोहित तेरे को पता है हम लोग अच्छे काम के पैसे ले रहे हैं। कैसे? राहुल को मम्मी बोलती है खाना खिलाना अच्छी बात होती है, तो लोग वही तो कर रहे हैं, हाथ से थोड़ी खिला रहे हैं, ये हम तो डिलीवर कर रहे हैं, तो पूरा पैसा थोड़ी मिल रहा है, डिलीवर का ही मिल रहा है ना। या देखिए मजा आ गया भाई। कैसा था एक्सपीरियंस? जबरदस्त। अभी डिलीवर किया और दूसरा ऑर्डर आ भी गया। ये ऑर्डर डिलीवर करने के बाद हम चले गए खाना खाने। ये था मेरा दोपहर का खाना जो मैं शाम को 7:30 बजे खा रहा था। यहाँ पे मैंने ऑर्डर डिलीवर किया, उसके बाद मैं ऑफलाइन चले गया, मैं सोचा कुछ खा लेता हूँ। उसके बाद मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ तो मेरे को बोलता है यू आर आउट ऑफ लोकेलिटी एरिया प्लीज गो बैक, मतलब खुद भेजा है तो चलता है। हम नहीं कर सकते भाई, ये गलत है। ये लास्ट ऑर्डर, कस्टमर ने ऑलरेडी मुझे 50 रुपए टिप कर दिया है यार। अभी के ऑर्डर में टिप भी आ गई है, पहले ही तो गाड़ी फास्ट चला रहा है, वरना हर 2 मिनट में यू टर्न ले रहा था। समझो आपका 9:30 बजे गिग खत्म होने वाला है, लेकिन आपको लंबा ऑर्डर मिला है जहाँ पे आपको 9:45 डिलीवर करते हुए हो गए और वापस आते आते 10 हो जाएंगे आपको। वो जो आधा घंटा आपने एक्स्ट्रा ड्यूटी दिया ना, वो दूसरे किसी गिग में एडजस्ट नहीं होता है आपका। फिर नेक्स्ट डे जो गिग है उसमें आपको पूरा 1 hour 45 minutes सबको लॉग इन रहना ही पड़ता है। सर को रिटायर्ड ऑन चाहिए। डे 3 पे 576 रुपीज। अभी कल का कल देखते हैं, एकदम मतलब एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। 3 दिन में 1500। हाँ तो ऐसे तो फिर 15 दिन काम करके एक रशियन आ जाएगी। वेलकम टू डे 4। जैसे ही हमने गाड़ी निकाली और आधे रास्ते में बंद हो गई, पेट्रोल खत्म हो गया है, अभी यहाँ से धक्का मार के पहले पेट्रोल भरवाना है। पेट्रोल भरवाने तक भी हम आए, पर एक भी ऑर्डर अब तक आया नहीं है। ऑलरेडी आज 2:30 से लेकर 4 तक का डेट अवेलेबल ही नहीं है, ऐप में ही नहीं दिखा रहा है। आगे आगे ऑर्डर आ गया भाई, सामने तुम्हारा कॉम्पिटिशन। बोलते हैं मैं भी जोमेटो, ये भी जोमेटो, अभी हम दोनों में से देखते हैं पहला ऑर्डर कौन मारता है। मेरा तो लगा हुआ है। अरे जीत गए भैया जी। यहाँ से गया गेट खोल के अंदर, देखे जैसे ही नीचे उतरा चौक के वो बाजू निकला, सेम सीढ़ियाँ पर पता कार से नीचे होते हुए समझ ही नहीं आया मेरे को। 4 किलोमीटर दूर डिलीवर करना ही ऑर्डर। पैसा कितना मिल रहा है? 60 रुपए के आसपास, 56 रुपीज। कैंसिल का ऑप्शन है क्या? मैं पागल है क्या? 7 दबाया तो 8 पे गया। क्या हो रहा है मेरे को समझा नहीं। 7 दबाया तो 8 पे गई, इधर लिखा हुआ 8 आया लेकिन हम 7 पे गए। यहाँ पे नंबर 1 में मिस्टेक है, बटन बराबर है सर। ओ अगर तू 6 दबाएगा तो इधर 7 दिखाएगा, जाएगा 6 पे। ओ जब हम बुक करते हैं ना कि वहाँ पे लिख के आता है कि पर आर 60 रुपये कमा पाओगे, पर आर 40 रुपये कमा पाओगे, तो ऑलमोस्ट हमारा जो गिग के आजू बाजू लिखा है ना उसके आसपास कमाई हो ही जाती है। 4:30 बजे तक कोई भी गिग अवेलेबल नहीं था, तो हम गए खाना खाया, फोन चार्ज किया और लग गए काम पे। हम लोग अभी चड्डे पहन के घर पे बैठे थे और सडनली ऑर्डर आ गया, जो भागे। मेरी माँ बोलती है जब मैं आंखें सुकड़ाता हूँ तो अक्षय खन्ना की तरह लगता हूँ। सुअर लग रहा है ना, दोनों रहो ना वैसे रहो। जोमेटो की बैग लेके स्विगी की टी शर्ट पहन के जा रहे हैं सर। गलत बिल्डिंग में गलत घर पे डिलीवर करने चला गया था मैं। कस्टमर ने टिप दिया मेरे को। फिर ऑर्डर डिलीवर करते करते शाम हो गई, उनको बैक पेन चालू हो गया, जोरदार सुसु लगाया मुझे। आई डोंट नो व्हाई अचानक से मुझे नींद आना शुरू हो गई, एकदम लो फील हो रहा था। तो अभी मैं इधर खाना खाने वाला हूँ और ये जाएगा वहाँ पे डिलीवर कर मेरा फोन लेके। आई डोंट नो रोहित किधर है, किधर भी रहे, अभी मैं दूसरा ऑर्डर मारूंगा और जितना कम है वो सब मेरे को। मुझे पता ही नहीं था कि ये दोनों दूसरा भी ऑर्डर कलेक्ट करने गए हैं, मैं पीछे पीछे घूमते इनके पास पहुंचा। तो पहले तो वो लोग ने ऑर्डर रेडी करके रख दिया, मैं जया अंदर ऑर्डर रेडी नहीं है खड़ा, उसके बाद तो दीदी मेरे को बोलते बाहर जाके रुको। मैं इंसान नहीं है क्या? मेरे को बाहर जाके मेरे को टीचर जैसे 10 मिनट खड़ा किया मेरे को, और यहाँ पे जोमेटो मेरे को बोल रहा ऑर्डर रेडी है तुम लोग कलेक्ट करो। कहाँ से कलेक्ट करो, मैं कुछ जाके बनाऊँ? ये जो बोलते हैं ना जो आप काम करते हो वो मैटर नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये ऑनलाइन सब लोग ऐसे हैं, रियल लाइफ में ऑन फील्ड पता चल रहा है कि कौन कैसा बन रहा है। कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर था तो जितनी भी कैश मुझे मिलेगी उतने पैसे मेरे जोमेटो वॉलेट में से कट होंगे। ये पीयूष पीछे ऑर्डर पकड़ के बैठा है, गाड़ी चला भी नहीं रहा, पकड़ के बैठा है, बर्गर ऐसा हो गया। कोई चीज बिगाड़ने के लिए तू चीज नहीं भी करे तो भी बिगड़ जाती है। तो हमने कमाए हैं आज 484 रुपीज। डे 4 हमने थोड़ा कम कमाया है बट 6 घंटे के हिसाब से वेरी नाइस। वेलकम टू डे 5। मैं जस्ट खाना खाने बैठा ही था और एक ऑर्डर आ गया, और डिनाई कर रहा था तो डिनाई नहीं हो रहा था, बोला दूसरा कोई आजू बाजू में डिलीवरी पार्टनर नहीं है,
तो मैंने थोड़ा सा ही नाश्ता खाया, अभी दूसरे का नाश्ता मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ। लाइफ ऑफ डिलीवरी बॉय। ऑर्डर हो गया डिलीवर, लेकिन आज कोई भी नहीं था मेरे साथ शूट करने के लिए, तो सारा शूट और डिलीवर अकेला किया मैंने। और ये ऑर्डर कलेक्ट करने के बाद चालू ही नहीं हो रही है गाड़ी। मैंने जोमेटो हेल्पलाइन में कॉल किया लेकिन किसी ने उठाया ही नहीं, तो मैं धक्का देके जा रहा था पेट्रोल पंप पे, एंड मुझे ये सर मिले जिन्होंने मुझे हेल्प किया और उन्होंने अपने गाड़ी से पेट्रोल मेरे गाड़ी में डाला। थैंक यू सो मच सर। एंड इनको पता भी नहीं था कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ, उन्होंने मुझे नॉर्मल जोमेटो वाला समझ के हेल्प किया। पूरा दिन शूट नहीं कर पाया बिकॉज डिलीवरी में बिजी था और अकेला था। सुबह का नाश्ता दोपहर 4:30 बजे खाया भाई, एक पाव खा के निकला था घर से, अभी खा रहा हूँ मैं नाश्ता। तो दिन का प्रॉपर मील पहला है ये। हाँ, खाना खाने के बाद पीयूष आ गया था तो ऑर्डर डिलीवर करना शुरू किए। ये वाला ऑर्डर होटल रूम में डिलीवर किया। बीइंग अ जोमेटो ड्राइवर, ये बात तो सच है, लोग आपसे सीधी तरह बात नहीं करेंगे, दे ट्राई टू रूल ऑन यू। घूमते घूमते सूरज भी ढल गया लेकिन कोई भी ऑर्डर नहीं आया। ऑर्डर आया है बट मुझे ऐप पे नहीं आ रहा है, मुझे फोन आया कि प्रेस 1 टू एक्सेप्ट, 2 टू डिनाई। मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ, साला आ ही नहीं रहा कुछ। मैकडॉनल्ड्स का ऑर्डर आया है, इसको दुकान ही नहीं मिल रहा, पिकअप कहाँ से करना है बताओ। रेस्टोरेंट है जो हमें नहीं मिल रहा था, मैंने कॉल किया वहाँ पे, उन्होंने बोला कि ये दूसरे रेस्टोरेंट में आना है, नाम दूसरा है बट कल एक वही से करना है। 8 किलोमीटर का 81 रुपीज मिल रहा है, ऑलमोस्ट 10 रुपए पर किलोमीटर मिल रहा है। कुछ भी बोलो रोहित, मेहनत तो कर रहा है यार, सच बात है। हो गया डिलीवरी? वो तो गया, एक और ऑर्डर आया है, 0.5 किलोमीटर से लेना है और 200 मीटर पे देना है वो, और उसके 50 रुपए मिलेंगे। पिकअप लेट बाय 8 मिनट दिखा रहा है, मैं उधर ऑर्डर देके आया और इधर आया 8 मिनट, मतलब तुम्हें ड्राइवर नहीं मिल रहा है तो मेरी गलती। 50 रुपए मेरे को मिल रहे हैं डिलीवरी करने के, 50 रुपए की तो चिकन राइस आ जाती है भाई। बंदे ने सिर्फ एक चिकन राइस मंगवाई है और 50 रुपए मैं कमा रहा हूँ। पता ही नहीं चल रहा था कौन सी विंग किधर है, लिखा हुआ ही नहीं था भाई, इतना ढूंढने के बाद पता चला है। नेक्स्ट ऑर्डर आया है 66+25 रुपीज का, 1 किलोमीटर से पहले लेना है, पिकअप करना है, कस्टमर डिटेल बाद में पता चलेगी। दिन रास्तों पर लाइट तक नहीं है, उन रास्तों पर लोग जोमेटो मंगा रहे हैं। तो आज का डे 5 खत्म हुआ, आज हम लोग लाइक 1 मिनट भी शांति से नहीं बैठे थे, ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे थे। 778 रुपीज आज हमने कमाए हैं, 750 रुपये कमाया 200 रुपये के पेट्रोल पे, 500 समझो हाथ में आया, इसी को रात को डबल कर देंगे जुआ खेल के, 500 का 1000। वेलकम टू day 6, पूरा दिन शूट करेंगे, 8 घंटा ड्यूटी करेंगे और आज रात को ही हम वापस 12 बजे से सुबह 6-7 बजे तक वापस करेंगे। तो नींद कम है, जल्दी उठ के मैं गया हूँ, तो आज का और आज रात टफ होने वाला है। हम लॉग इन थे ऑलरेडी 1 बजे से, 1:45 को फर्स्ट ऑर्डर आया। ऑर्डर लेके लोकेशन पे पहुंचा तो रितेश को अलग ही मस्ती सूझी। अभी यहाँ से पैदल जाऊँ, क्या भाई है यार। 0.3 किलोमीटर से पिकअप और 0.63 किलोमीटर पे ड्रॉप है। तो अपन क्लाउड किचन में आए हैं, तो मैं यहाँ पे पार्सल लेने आया था और ये सर ने मुझे पहचाना। थैंक यू सो मच सर। और आज फेस्टिव ऑफर चल रहा है जोमेटो पे कि हर 60 डिलीवरी के बाद मैं ये व्हील स्पिन कर सकता हूँ। ये ऑर्डर डिलीवर करके और डॉगी के साथ खेलने के बाद पीयूष का फोन गुम हो गया है। रोहित का ऑर्डर डिलीवरी करने और हम दोनों इधर रुके हैं, पता है क्यों? मेरा फोन खो गया है। इसने गिरा दिया है किधर फोन? और दूसरी चीज, हम लोग को मिल क्यों नहीं रहा है? वो मेरे मेल का पासवर्ड याद। अच्छा बेटा, सही हुआ तेरे साथ। जब तक ये लोग फोन ढूंढ रहे थे तब तक मैं ऑर्डर डिलीवर कर रहा था। चलो अभी चार्ज करेंगे, फिर हमें वापस 7 बजे का गिग चालू करना है। किसी ने केक ऑर्डर किया था तो जोमेटो सवाल पूछ रहा था, बोलता है ऑर्डर है बस सेंसिटिव आइटम, हैंडल द पैकेज केयरफुली, ये तीनों टिक करूंगा। क्यों? अपने पास ना डिलीवरी बैग है, ना हम लोग केयरफुली करेंगे, ना हम लोग 30 के कम चलाएंगे। 30 के कम ही चलाएंगे, केयरफुली करेंगे। बैग की जगह रितेश पकड़ के बैठेगा। चले मैं नहीं पकड़ेगा, जो चाहिए अभी तू कर। उधर मैंने ऑर्डर डिलीवर किया और मैं निकल गया, तो मेरे को वापस बुलाया सुनला दादा, उन्होंने धनस्वती बिठाई किसी घर पे एंड मुझे प्रसाद दिया। अभी 7 ऑर्डर हो गए, अभी मैं वो चक्रा घुमाऊंगा। 11 रुपए ये करीब को 11 ही देंगे। 101 एंड व्हाट। लंबा ऑर्डर डिलीवर करते हुए आधे रास्ते में गाड़ी में हम लोग जा रहे थे, खड्डा आया, रोहित ने अंकल के चेजान चटनियां वहा दी। आधे रास्ते पे रुक के सारे कंटेनर साफ करके उसे पन्नी में डाला है। हेलो जी सर, मैं बस बदलापुर पहुंच गया हूँ। वो खाना गिर गया था आपका। हेलो क्या कह को बोल रहा है ये, कुछ भी कस्टमर को सच बोलने का। और आज हमने कमाए हैं 409 रुपए
9:30 हुए हैं, मैं थोड़ी देर आराम करूँगा और 12 बजे मेरा day 7 चालू होगा रात को। मेरे को बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है। वेलकम टू day 7 मतलब नाइट को 1:15 है। बात यह है कि मुझे 7 दिन में से एक दिन रात को करना ही था। तू कंपेयर दी अर्निंग्स ऑफ Zomato राइडर, दिन में कितना कमा रहा है और रात में कितना कमा रहा है। 1-2 बजे से ऑर्डर देने आओ तो रास्तों पे भी डर लगता है और लिफ्ट में भी थोड़ा बहुत डर लगता है, तो ये वीडियो एक एविडेंस है कि हम दोनों ने कभी आत्महत्या नहीं की थी। 70 रुपए मिले, 50 का 70 सीधा। बर्गर किंग से ही हमें 2 ऑर्डर लेने हैं और वो अलग अलग जगह पे ड्रॉप करने हैं। मेरे को ऐसा स्क्रीन आया है, पिकअप 1 पिकअप 2, मैंने दोनों पिक कर दिए। पहले जाना है दीपक के पास। ये गरीब जोमेटो वाले को लोग आधी रात को बारिश में भटका रहे, एड्रेस नहीं बता रहे बराबर से। वो वाला ऑर्डर डिलीवर करके सेकंड ड्रॉप लोकेशन पे आए, फिर वापस बर्गर किंग से ही ऑर्डर आया। ये हर ऑर्डर में हर 5 मिनट में हर 2 यूटर्न लेता है। रुक जाओ, यूटर्न लेगा, यूटर्न लो। दिलावर भाई बॉडी में एनर्जी नहीं है, वर्कआउट कैसे करूँ? 2 केला खा लो और 1 चम्मच पीनट बटर, फुल वर्कआउट कर लोगे। ये किसी ने होटल रूम में मंगवाया है। रात के 3 बजे हैं और रोड लाइट देखो, यहाँ से 100 मीटर आगे शमशान है। तो रात के 3 हुए हैं और मुझे मजबूत बैक पेन तो चालू हो ही गए हैं और नींद बहुत आ रही है। मैंने रहते आग बंद कर रहा हूँ ना, इतना मज़ा आ रहा है। और 3 घंटे मेरे को करने हैं। वो हनुमान चालीसा चला के चल रहा है। बाद में रितेश ने बताया कि शमशान के बाजू वाली बिल्डिंग में उसने एक अजीब सी लाइट देखी थी, इसलिए वो श्री हनुमान चालीसा गा रहा था। लेकिन इनको ऊपर नहीं जाने दिया होटल में, अभी वॉचमैन गया ऊपर और इसकी कैश लेके अभी आएगा नीचे। अरे वो कस्टमर ऊपर से दिया 500 का नोट, तो उसका हुआ 226 रुपीस। मैं बोला सर मैं आपको रेस्ट गूगल पे कर दूँ। बोला क्यों? मैं बोला क्योंकि मेरे पास कैश नहीं। बोलता नहीं मुझे कैश चाहिए। रात को 3:18 पे भाई साहब को कैश चाहिए, ऐसे गाली निकलते। बात भी ऐसा किया जैसे उसकी भेटी पका के लेके गया। मेरे साथ तो मेरे दोस्त थे तो चलो जुगाड़ हो गया, लेकिन इस टाइम पे अकेला डिलीवरी बॉय कैसे मैनेज कर पाता? ये आप पूरा मूड की माँ बहने कर दी। रात के 3 बजे डिलीवरी किसका, खाना किसका, खा कौन रहा है, दे कौन रहा है, इधर 24 रुपए का फटका मेरे को लगा। ऐसे कस्टमर को देने का माइनस बेकार, कस्टमर वॉज रूड। रात का टाइम देखो यार, पैसा थोड़ा ज्यादा है पर हालत खराब हो रही है बहुत जल्दी। तो रितेश ने मुझे फ़ोन किया, बोला चेक करते हैं कि तू जिस रेस्टोरेंट के सबसे बाजू में है वो मेरे को बता और मैं वो ऑर्डर करूँगा और देखता हूँ तेरे को मिलता है क्या वो ऑर्डर डिलीवर करने के लिए। तो मेरे को अभी 2 पिकअप आए हैं, एक लापिनोज का आया है और अभी जब ये पिकअप करूँगा तो उसके बाद मेरे को यहाँ का आएगा जहाँ मैं खड़ा हूँ। तो लापिनोज का हमने पिकअप किया है, अभी वलेचास फास्ट फूड जाना है, उधर से रितेश का ऑर्डर पिकअप करना है। रात को 2 पिकअप पॉइंट और 2 ड्रॉप पॉइंट भी आ रहा है। रितेश ने बोला कि उसने ऑर्डर किया है और वो लेके मत आ, मैं उधर आ रहा हूँ। रितेश तो इधर आ रहा है लेकिन Zomato हमें मार्क नहीं करने दे रहे कि हमने उसे डिलीवर कर दिया, वो काफ़ी दूर है, उधर जाना ही पड़ेगा, उधर ही जाके मार्क होगा। रितेश से लोकेशन अपडेट नहीं हो रहा था तो सोचा हम कस्टमर सपोर्ट से ही बात करें। वो मुझे बीच रास्ते में ही मिले, उन्होंने लिया ऑर्डर बट डिलीवरी लोकेशन जो है वो दूर किया, तो अभी मुझे मार्क करने नहीं दे रहा है। अच्छा डिलीवर्ड मार्क कर दिया गया, तो अभी हम लोग थोड़ी पेट पूजा करने आए हैं, अब तक ऑर्डर मार्क नहीं हुआ है। तो अभी वापस कॉल कर। वही कर रहा हूँ। आया आया आया, स्पीकर रखो। मैं कर देता हूँ डिलीवर मार्क लाइन पे। जी 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 कर दीजिए प्लीज। सुबह के हुए हैं 5:15, मैं अभी वापस जा रहा हूँ ऑनलाइन, मैंने पेट पूजा कर लिया। रितेश को वहाँ पे दिखा रहा था 77 रुपीज डिलीवरी चार्जेस और मुझे दोनों ऑर्डर डिलीवर किए उसका मुझे टोटल 73 रुपीज़ मिला। इधर 12 बजे से 3:15 तक काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, उसके बाद कम ऑर्डर्स हैं। सुबह 5 बजे से लेके 6 बजे तक कोई भी ऑर्डर नहीं आया। तो फाइनली 7 दिन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। आज की रात हमने कमाए 411 रुपये, 5 ट्रिप्स, 5.5 घंटा हम लॉक्ड इन थे, तो कुल मिला के 7 दिन में हमने कमाए 3639 रुपीज़ और उसमें से 900 के आसपास का पेट्रोल गया, तो 2739 रुपीज़ हमारा पूरा बचा हुआ प्रॉफिट है। और 1250 रुपये Zomato को पेमेंट करना रहता है, दैट इज़ 1 टाइम पेमेंट टू रजिस्टर योरसेल्फ एज अ Zomato पार्टनर। और अगर 1250 नहीं करना है तो इंस्टॉलमेंट में करना है, तो 1600 रुपये भरने पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों भाई बंधु और सबके साथ शेयर कीजिए और हमेशा ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। बाय।